नमस्कार, मी मयुरी उंबासे, जय महाराष्ट्रच्या विशेष कार्यक्रमात आपलं स्वागत आहे. सौंदर्य आणि घमेंड या दोन्ही गोष्टी हातात घालून येतात असा समज आहे, मात्र मुंबईच्या सौंदर्यवतीने हा समज खोटा ठरवलाय. मिस इंडिया या सौंदर्य स्पर्धेत उपविजेता ठरलेल्या मान्या सिंग हिने आपल्या साधेपणानं भारतीयांची मनं जिंकून घेतली आहेत. या साध्या आणि सोज्वळ सौंदर्यवतीसोबत आता आपण बातचीत करणार आहोत. मान्या, आपका जय महाराष्ट्र में स्वागत है और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं. आप मिस इंडिया 2020 की रनर अप ठहर चुकी है. पहली बार आपको कब लगा कि आप मिस इंडिया बन सकती है? 16 साल की उम्र में. बढ़िया. और उस सपने को साकार करने के लिए आपने क्या किया? देखिए, कोई भी सपना छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मैंने अपने इमेजिनेशन से बढ़कर सपने देखे थे और मुझे पता था कि अब मुझे मेहनत तो करनी है, क्योंकि इतने बड़े सपने जो देख लिए, तो मेहनत किया मैंने और रात दिन एक कर दिया इसको पाने के लिए, और आज मुझे मिल गया. तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मेहनत करिए, चाहे कोई भी सपना क्यों ना हो. बहुत बहुत बढ़िया. इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी, आप क्या कहना चाहोगी? देखिए, अगर मैं मेहनत को एक टैग के लिए चेक करूंगी कि आप इतनी मेहनत करो, उतनी मेहनत करो, यहाँ काम करो, वहां काम करो, ऐसा नहीं होगा. मैंने बहुत ज्यादा ही मेहनत की थी, छोटे से बड़े सारी चीजें काम किया मैंने, क्योंकि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता. बराबर. तभी हम आगे बढ़ते हैं. तो सीखा मैंने, और हार्डवर्क और खुद पर भरोसा था मुझ पर कि एक ना एक दिन कामयाब तो जरूर होना है मुझे. तो हर काम किया और हर काम से सीखा और खुद पे काम किया मैंने, और खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाया कि जब मैं स्टेज पे जाके खड़ी रहूंगी तब लोग कहने चाहिए कि ये लड़की बनी है अपनी मेहनत से. इस सपने को साकार करने के लिए आपके परिवार ने आपका किस प्रकार साथ दिया? मेरे परिवार का हमेशा से ही साथ रहा है मेरा, क्योंकि सबसे मेन तो वही है, क्योंकि अगर उन्होंने मेरे पंख काट दिए होते तो शायद मैं उड़ नहीं पाती. तो उन्होंने मुझे वो छूट दी, शायद उनके छूट के बिना, उनके भरोसे के बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुंचती. तो कहीं ना कहीं वो मेन है और हमेशा से ही रहेंगे. बिल्कुल, परिवार का साथ तो होना ही चाहिए, नहीं तो मुकाम तक पहुंचने के लिए परिवार ही अपना साथ देता है. आपको छोटा भाई भी है मैंने सुना है, तो आप उसको उसके करियर के लिए क्या गाइड करना चाहोगी? मेरे छोटे जो भाई हैं उनको मैं हमेशा से सपोर्ट करूंगी, उनको इमोशनली और एक बहन बन के सपोर्ट करूंगी, मिस इंडिया की रनर अप बन के नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो जो भी करें अपने मेहनत के और अपने मुकाम पे करें, अपने दम पे करें. तो मैं हमेशा से उनके बहन बन के उनका साथ दूंगी, और जो भी वो अपने करियर में चूज करेंगे उनको एक मार्गदर्शन दूंगी कि आपको ये सही है और ये गलत है, और उनका डिसीजन मैं उनको खुद लेने दूंगी. आपका उत्तर प्रदेश, आपके गांव के, आप उत्तर प्रदेश गांव से हो, वहां से इस तरफ इस मुकाम तक का सफर आप क्या कहना चाहोगे? इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपने क्या क्या जर्नी की है, क्या क्या स्ट्रगल किया है, आप क्या कहना चाहोगी? इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैंने हर जगह काम किया, लेकिन रेस्टोरेंट से लेकर मैंने कॉल सेंटर में काम किया है, अपनी पढ़ाई तक पूरी की है. तो हर चीज से सीख के ही आगे बढ़ी हूँ, और ऐसा नहीं है कि ये रास्ता आसान हो जाएगा, और भी मेहनत अभी करनी बाकी है. तो देखेंगे लाइफ में जो भी होगा उसके लिए पूरी रेडी हूँ मैं, क्योंकि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरी लाइफ खुद है. सीखा है मैंने सब चीजों से, ऑब्जर्व किया है, और एज मैं हमेशा बोलती हूँ कि खुद पे भरोसा करना, इससे बड़ी चीज कोई होती नहीं है. मैंने सुना है कि आप उत्तर प्रदेश से भागकर आई थी 14 साल की उम्र में, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं 14 साल की उम्र में घर छोड़कर आई थी इसलिए कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, एक ऐसे प्रॉपर जॉब या गवर्नमेंट जॉब में नहीं रहना. तो जब मैं आई मुंबई, मैंने अपने परिवार का किया मुंबई में हूँ, तब मैंने स्टार्ट किया काम करना, और फिर तब से आज तक मैं मेहनत करती हूँ, क्योंकि तब से ही रास्ता खुला था. कि मेरे हिसाब से कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, जो भी काम मैंने किया उससे बहुत बड़ी सीख ली, और जो मैंने मतलब जो आपने पढ़ा कि जूठे बर्तन धोती थी वही धो धो के आज मैं साफ हुई हूँ. तो
हर जर्नी ने कहीं ना कहीं पहुंचाने का, हर जर्नी में एक सपोर्ट दिया है, हर पुश दिया है, तो हमेशा साथ रहेगा मेरे। और मैं गर्व करती हूँ कि मैंने वो काम किया, क्योंकि वहां से ही मैंने अपनी छुड़ी शार्प की और मिस इंडिया के स्टेज पे मैं वो छुड़ी ने काम कर दिया। ऐसी कोई सिचुएशन आपके फेस पे आई कि नहीं अभी बस हुआ, कि अभी आगे नहीं करना है मुझे, अभी ये बस होगा कि मुझे मेरे सपनों तक पहुंचने में बहुत देर लग रही है, तो मैं यहाँ पे गिव अप करूं, ऐसा कभी आपके पास ऐसा ख्याल आया कि मैं नहीं कर सकती हूँ? आपको पता है मैं 20 साल की हूँ और मैंने 16 साल से सोचा था कि मैं मिस इंडिया बनूंगी, और मुझे ये पता था कि 25 तक ट्राई करती रहूंगी जब तक नहीं बनेंगी। तो कभी ये इंसान है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता था मैं थक जाती थी कि अब क्या, पैरों से लगता था कि यार पैर दर्द करने लगे, हाथ पैर दर्द करने लगे, हिम्मत टूटी, लेकिन फिर एक विल पावर रहती थी कि कुछ भी करूंगी, हार नहीं मानूंगी, और हिम्मत जुटा के वापस उठती थी और उसी मेहनत से डबल मेहनत करती थी। आपके माँ ने आपके पढ़ाई के लिए जेवरात भी बेचे थे मैंने सुना है, तो उस तभी आपको क्या लगा कि पढ़ाई के लिए जेवरात बेचने लगे और आज आप इस मुकाम तक पहुंचे? हाँ, मैं जब मैंने अपना स्कूलिंग स्टार्ट की थी तब ऐसी सिचुएशंस आती थी कि मम्मी अपने गहने गिरवी रखती थी, बेच देती थी मेरी स्कूल फीस भरने के लिए, मेरे एग्जाम फीस भरने के लिए। तो उन्होंने काफी सिर्फ ब्रात ही नहीं बेचे, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ मुझे दी है, तो वो जो सेक्रीफाइसेस करती थी, जो मेहनत करती थी, जो लगन थी उनकी मेरी तरफ, वो हमेशा से एक ही कंसिस्टेंट में रही है, कभी नीचे नहीं आई, हमेशा से ऊपर ही गई है। तो मैं से ये क्राउन उनको रिपेक्ट करूंगी, इवन मेरे फादर को भी, मेरे पिताजी ने भी बहुत मेहनत की है, तो दोनों का ही बहुत महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है मेरी लाइफ में। तो मैं हमेशा बोलूंगी कि मेरे पेरेंट्स ही मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट रहे। आपके पूरे इस जर्नी में ऐसा कभी हुआ है कि एक रिक्शा चालक की बेटी है ये, या फिर आपको कोई अलग ऐसा बर्ताव किया गया आपके साथ कभी इस पूरे जर्नी में? एक्चुअली किसी को पता नहीं था कि मेरे पिताजी रिक्शा चलाते हैं, क्योंकि जब मैं ऑडिशन वगैरह को जाती थी तो मैं खुद अकेले ही जाती थी, और हमेशा से मेरे पिताजी ने कॉलेज के बाहर ही छोड़ा है मुझे, कभी किसी को बताने का मौका नहीं दिया। बट मुझे एक चीज थी कि जिस दिन मैं जीतूंगी उस दिन पूरी दुनिया को बता दूंगी कि मेरे पिताजी ऑटो रिक्शा ड्राइवर है और उन्होंने बहुत मेहनत की, इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मान्या, मैंने सुना है माला आपको एक चिढ़ाया जाता था कि आपके रंग के वजह से, कि आप मालाड मिस मालाड भी नहीं या मिस मुंबई भी नहीं बन सकती, तो आपको क्या कहना है इस बारे में? अभी एक्चुअली उन लोगों ने मुझे चिढ़ाया था, मैंने ट्राई भी किया था लेकिन मैं नहीं बनी, तो मुझे इस बात का गम नहीं था क्योंकि मेरे में हिम्मत थी कि मैं स्टेज पे जाके सीखूं, स्टेज को फेस करूं, लोगों को फेस करूं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो कमेंट्स मुझे मिले, जो बैकफायर मुझे मिला, चीजों से सीखा मैंने, मोटिवेट किया, क्योंकि वो मेरे लिए एक मोटिवेशन ही था कि मुझे लोगों को नहीं दिखाना था, मुझे खुद को दिखाना था कि मैं किस लेवल तक मेहनत कर सकती हूँ, और वही किया मैंने, इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। आप मिस रनर अप रह चुकी है, तो इसके बाद आपके माँ बाप के रिएक्शन क्या है, फिर रिलेटिव्स के रिएक्शन क्या है? माँ बाप के रिएक्शन हमेशा से एक ही हैं, खुश हैं वो काफी, लेकिन आज भी उनको अपनी बेटी उतनी ही प्यारी है जितनी एक पहले थी, और रिलेटिव्स भी काफी खुश हैं, वो मेरा वेट भी कर रहे हैं, तो जिस दिन मुझे मौका मिलेगा मैं एक बार यूपी जरूर जाऊंगी। बिल्कुल, आप युवा पीढ़ी को क्या सलाह देना चाहोगी? खुद पे भरोसा रखिए, मेहनत करिए, और कोई भी सपना छोटा बड़ा नहीं होता, आप जैसे सपने देखोगे उस तरह की आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रास्ते में आप अकेले भी हो सकते हो, तो कभी खुद को छोड़ना मत, पकड़ के रखना, और कॉन्फिडेंस सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, तो अपने पास अपने बैकपैक में कॉन्फिडेंस रखो, जब जरूरत हो पहनो, और फिर एकदम स्ट्रांग लोगों की तरह खड़े हो जाओ, बिलीव इन योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट एंड बी ब्रेव। बिल्कुल बिल्कुल, और एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ कि तू खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश, तो चल तेरे वजूद को समय को भी तलाश है, सो इफ यू विल वर्क हार्ड गॉड विल गिव यू योर ओन वे, सो बी अ मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। बिल्कुल बिल्कुल, और आपने वो कर दिखाया है इसमें। अभी अब छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से लौट आएंगे।
नंतर तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. पुन्हा एकदा आपण जोडूया मान्या सिंग सोबत, मिस इंडिया रनर अप 2020 ची विजेता मान्या सिंग. मान्या, आपका फिर से एक बार स्वागत है. फिर से एक बार एक सवाल के साथ शुरुआत करेंगे कि अब आगे आप क्या करना चाहोगे, आपके आगे की प्लानिंग क्या है? मेरी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी मैं डेफिनेटली उसको दोनों हाथों से वेलकम करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो भी करूंगी लोग मुझसे इसको सीखेंगे. तो आने वाले समय में जो भी अवसर मिलेगा मैं अपना 100% दूंगी और लोगों को ये कहने पे मजबूर कर दूंगी कि अगर मान्या कर सकती है तो मैं क्यों नहीं. इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मान्या बहुत जन को काम तक नहीं पहुंच पाते, डिप्रेशन में चले जाते या बहुत सारी मुश्किलें आ जाती है, तो उन तरुण और युवा पीढ़ी को तो आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, आप मेहनत करते रहिए, आपका सपना जरूर पूरा होगा. और अगर ऐसा कुछ होता है कि अगर नहीं होता है तो एक चीज भरोसा रखिए कि आने वाले समय आपके लिए बेस्ट है और शायद से आपके लिए बहुत अच्छी चीजें फ्यूचर में रखी हुई है. तो अपने आप से भरोसा मत उठने दीजिए और मेहनत करते रहिए, कभी ना कभी तो जरूर मिलेगा. क्योंकि आप यहाँ हर एक इंसान इस धरती पे आए एक रीजन के वजह से, तो कोई ना कोई डेस्टिनी, कोई ना कोई एंड आपके लिए जरूर लिखा है. तो वो हमेशा से हैप्पी एंडिंग ही होगा. तो कभी हार ना माने और डिप्रेशन में कभी ना जाए और आंखें खोले और खुद को देखें और बोले कि यार आई डिजर्व बेटर. आपके रंग से आपको कभी चिढ़ाया गया है और कभी ऐसा लगा है कि मेरे चिढ़ाया गया है मेरे रंग से? हाँ, कभी ऐसा लगा है कि मेरे रंग से मैं ये नहीं कर सकती हूँ, या फिर आज अभी देख रहे हो कि आप रनर अप ठहर चुके, तो उन सारों को ये आंसर है आपका कि देखो मैं अभी रनर अप हो चुकी हूँ, आप मुझे चिढ़ा रहे थे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा कि लोग मुझे क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं. मैंने एक चीज अपने ध्यान रखा कि जो भी लोग बोलते हैं मैं क्या सोचती हूँ मेरे बारे में, वो ज्यादा फर्क पड़ता है. तो एक चीज थी सेल्फ बिलीव करके होता है, दो वर्ड का होता है, बी योर सेल्फ कर. तो खुद पे भरोसा था कि मैं जैसी भी हूँ, चाहे कोई भी रंग की हूँ, मैं जिस दिन मिस इंडिया के स्टेज पे जाऊंगी यहाँ से खेलूंगी, दिल से करूंगी, दिल से परफॉर्म करूंगी. और वही चीज मैंने की. तो मुझे कभी इफेक्ट नहीं हुआ कि लोग मुझे क्या बोलते थे. लोग चिढ़ाते थे कि अरे तुम तो डस्की हो, तुम तो ऐसी हो, तुम वैसी हो. लेकिन लोगों का क्या है, लोग तो कहते रहेंगे. हमारे पे डिपेंड करता है कि हम क्या चीजें अपने दिमाग में और दिल में रखते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. मान्या, आपको अभी इसके बाद फिल्म्स के ऑफर या मॉडलिंग के ऑफर कुछ आए हैं? अभी तो मैं इंटरव्यूज ही दे रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि लोगों तक मेरा मैसेज पहुंचे और लोगों तक मेरी कहानी पहुंचे, कि लोग अपने आप इंस्पायर हों और बोले कि अगर मान्या कर सकती है तो मैं भी. तो फिलहाल मैं अपना 100% इंटरव्यू में दे रही हूँ, अगर कोई अपॉर्चुनिटी या कोई ऑफर आता है तो डेफिनेटली मैं वो ग्रैब करूंगी. सही है, सही है. इस उम्र में इस मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है और आपने वो कर दिखाई है. मेरा आगे का सवाल है कि अभी आप आगे हीरोइन या बहुत सारी मिस वर्ल्ड या मॉडलिंग पिक्चरों में जाते हैं या क्या आगे कुछ अच्छा करते हैं, तो आप उसके अलावा कुछ करना चाहती हो या फिर पिक्चर्स या सॉन्ग्स ऐसा कुछ करना चाहोगी? मुझे जो भी अवसर मिलेगा मैं लूंगी और मेहनत करूंगी और अपना 100% दूंगी. ठीक है, जो भी लाइफ में जो भी मुकाम आएगा उस पे मुझे पता है कि मैं जो भी करूंगी लोग देखेंगे और एज अ रोल मॉडल फॉलो भी करेंगे. तो आई मेक श्योर कि मैं जो भी कर रही हूँ सही कर रही हूँ, दिल से कर रही हूँ. तो मेरा यही मोटो रहेगा कि जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी मैं ग्रैब कर लूंगी. बहुत बहुत शुक्रिया मान्या आपको, और हम उम्मीद करेंगे कि आप अपनी जिंदगी में ऐसे ही सफल होते रहे. धन्यवाद जय महाराष्ट्र से जुड़ने के लिए. वेळ झाली आहे आपल्या विशेष कार्यक्रमात इथेच थांबायची, तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा जय महाराष्ट्र.